फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान में कंप्लीट बॉटनी का रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में। इसमें मेरा तो बहुत ज़्यादा समय लगा है, काफ़ी घंटे लग गए हैं इसको सेट करने में। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सबका विद एंसर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। जहाँ डायग्राम की आवश्यकता रही है मैंने डायग्राम भी आपके लिए बना दिए हैं, ये शॉर्ट नोट हैं इससे क्या होगा, और जितने भी फ्लो चार्ट इसमें संभव थे वनस्पति विज्ञान में, ठीक है, मैंने सब बनाए हैं और आपका बहुत ही कम समय में रिवीजन हो जाएगा, बस ये है इसके लिए। कुछ बच्चों का सुबह ही है पेपर, तो मान लो बुक से पढ़ेंगे या जो नोट्स होंगे तो बड़ा टाइम लगेगा उनको, इसलिए मैंने सारा कंडेंस फॉर्म में इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें कर दिया हो ताकि आप कम समय में रिवाइज कर सकते हो। एक डेढ़ घंटे में पूरा सिलेबस लगभग रिवाइज हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया है। तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले दो तीन बार देख लोगे तो ऐसे ही सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वहाँ से आता है, डिस्कस व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम या प्लांट वर्ल्ड जो है उसमें ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है, तो ये मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। बाकी आपको लेक्चर पूरा देखना रहेगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ उनको समझाऊंगा तब आप समझ पाओगे इसको। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट अक्कर इन मॉइस्ट सिचुएशन, आपको पता ही है ये जहाँ वाटर हल्का फुल्का होगा वहीं पे रहेंगे, सच एज डैम्प रॉक्स, ठीक है, रिवर के किनारे जो होते हैं वहाँ पे, मोस्ट सॉइल एंड वॉल्स ऑन डिकेइंग इन फॉरेस्ट बिकॉज दे आर अनेबल टू ग्रो इन ड्राई एरियाज, ठीक है, क्योंकि ये जो सूखे स्थान है वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं और इनको इनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर भी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्केल पे, स्केल इन ब्रायोफाइट्स, तो जो वेंट्रल सरफेस होती है थैलस की आपको पता है जितने भी ब्रायोफाइट हैं वो सब ज़्यादातर थैलोइड ही होते हैं। जो इसमें ब्रायोफाइट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो लिवरवर्ट है दूसरा मॉसेस। लिवरवर्ट तो कम्प्लीटली थायरॉइड होते हैं, मॉस में फिर फिलहाल थोड़े बहुत जो है इरेक्ट एरियल पार्ट जो है इरेक्ट होने लगते हैं कुछ। तो ये जो थैलस होता है इनका, जैसे रिक्सिया मार्किंसिया हमारे सिलेबस में पढ़ना है तो वो तो थैलस स्ट्रक्चर ही हैं, तो डोर्सो वेंट्रली डिवाइड रहते हैं। कैसे, डोर्सो वेंट्रली, इसमें डोर्सल और वेंट्रल पार्ट होता है, जो वेंट्रल साइड होता है उधर राइजॉइड और स्केल पाए जाते हैं, डोर्सल सरफेस जो होती है उस पर गेमा कप प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल सरफेस पे गेमा कप होंगे, और जो वेंट्रल सरफेस होगा वेंट्रल पे आपको स्केल देखने को मिलेंगे और जो इसके राइजॉइड होते हैं वो मिलेंगे। तो स्केल और राइजॉइड पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको याद रखना है ये डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, इस तरह से इनका थैलस होता है, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर मार्किंसियलस, जो मार्किंसियलस है जिसमें रिक्सिया मार्किंसिया आते हैं इसमें ही ये स्केल देखने को मिलते हैं, एंड अब्सेंट इन ऑल ब्रायोफाइट, जितने भी इसके अलावा ब्रायोफाइट्स हैं उनमें सब में नहीं मिलेगा ये देखने को। तो मार्किंसियलस ऑर्डर में जितने आते हैं उनमें आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पहला है अपेंडिकुलेट, अपेंडिकुलेट में क्या होता है एक ऊपर अपेंडिज आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, अगर ऊपर वाला ये अपेंडिज हटा लो तो नीचे जो बचा है ये आपको वैसे ही मालूम देगा लिगुलेट के जैसे, ठीक है। दो टाइप है अपेंडिकुलेट और लिगुलेट। तो अपेंडिकुलेट जो है इसका मेन लक्षण क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल सब रोटन अपेंडिज, दे यूजली फॉर्म द इनर रो ऑफ स्केल्स क्लोज टू द मिडरिप। हाँ, तो ये दो मुख्य अंतर हैं लिगुलेट और अपेंडिकुलेट में। अपेंडिकुलेट टाइप जो होता है स्केल, इसमें पहला तो एक अपेंडिज आपको देखने को मिलेगा अलग से, और दूसरा ये इनर रो ऑफ स्केल से फॉर्मेशन होता है इनका। अब बात करते हैं हम लिगुलेट की, तो जो लिगुलेट टाइप होता है इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है, Do not have any appendage, इसमें कोई भी appendage आपको देखने को नहीं मिलेगा। They form the outer row, ठीक है, तो ये outer row form करते हैं वो inner row। ये जो scale होते हैं ये formation करते हैं row का, row के रूप में मतलब line में arrange होते हैं scales, इनसे एक row बन जाती है, तो inner row बनती है किससे, appendiculate से, और जो outer row होती है वो लिगुलेट टाइप से बनती है। स्केल्स का काम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। स्केल्स आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सारी सेल्स से बंच ऑफ सेल के कलेक्शन से बने होते हैं। वन सेल थिक मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, पिंक और वायलेट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट इन साइटोप्लाज्म। इनका कलर जो है वो पिंक और वायलेट कलर के होते हैं ये, और ये कलर किसके वजह से होता है आपको पता ही है, जितने भी प्लांट हैं उनमें कलर पिगमेंट के ही कारण होता है कोई ना कोई, तो पिंक और वायलेट कलर का होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इनके सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जब लाइट पड़ती है एंथोसाइनिन पे तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, जिससे कि वो जो फिर से लोअर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी कलर को उत्सर्जित करेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। और इसका काम क्या होता है, मेन प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसको ऊपर वाला एपिकल वाला और जो साइड में होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। दे आल्सो रिटेन सम वाटर बाई कैपिलरी एक्शन, मेनली आपको पता है वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए राइजोइड्स होते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में, बहुत ही थोड़ी मात्रा में वाटर का जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू स्केल भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर राइजोइड्स मर गए हैं तो। राइजोइड्स इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में राइजोइड में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। राइजोइड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट इन वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सिंपली द आउट ग्रोथ ऑफ लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जो नीचे की होती है, इस तरह से मान लो हम एक छोटा सा थैलस बना लिए, ठीक है, तो इस तरह से नीचे से क्या होंगे निकले होते हैं राइजोइड्स, वेंट्रल सरफेस पे ही राइजोइड मिलेंगे, वहीं आपको स्केल मिलेंगे। ऊपर वाला जो है उसको डोर्सल बोलते हैं, नीचे जो है वो जो जमीन से चिपका रहेगा उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, तो वेंट्रल में क्या होंगे राइजोइड होंगे, तो ये जो लोअर एपिडर्मिस होगी नीचे वाली, देखो एपिडर्मिस होती है सबसे ऊपरी कवरिंग, अब वो चाहे नीचे हो या ऊपर हो, चाहे डोर्सल साइड में हो चाहे वेंट्रल साइड में हो, लेकिन सबसे ऊपर जो होगी थैलस की कवरिंग उसको कहेंगे एपिडर्मिस। तो सबसे ऊपर जो नीचे वाली परत है, नीचे वाली सतह की जो सबसे ऊपरी परत है एपिडर्मिस, उसकी आउट ग्रोथ से बनते हैं क्या बनते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स जो है लोअर एपिडर्मल सेल्स आर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। दो टाइप के होते हैं स्मूथ और ट्यूबरकुलेट, ये ऑलरेडी मैंने करवाया तो है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग हो सकता है वहाँ मतलब एक घंटे का केवल यही समझाया है, लेकिन इसमें जो है आपका एक डेढ़ घंटे में पूरा रिवीजन हो जाएगा, कई सारी यूनिट का मैंने लेके आया है इसमें, ठीक है मटेरियल। तो स्मूथ वॉल्ड जो होते हैं ये आउटर इनर वॉल्स आर स्ट्रेस्ड एंड स्मूथ, मतलब खिंची होती हैं पूरी सीधा एकदम, इधर देखो ये स्ट्रेस्ड होती हैं सीधी स्मूथ वाली। ट्यूबरकुलेट में इनर वॉल जो होती है उसमें फोल्डिंग लाइक बन जाता है, फोल्डिंग आ जाती है, ठीक है। द इनर वॉल आप ट्यूबरकुलेट की बात कर रहे हैं आप, दीज राइजोइड्स ग्रो इनटू पेग लाइक और प्लेट इन ग्रोथ, ठीक है, तो प्लेट लाइक बन जाता है इसमें, अंदर की ओर प्रोजेक्शंस बन जाते हैं। इनका काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ राइजोइड्स इज टू अटैच द थैलस टू द सबस्ट्रेटम एंड आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इसके जो है फंक्शन होते हैं, पहला तो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जिससे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं से कहीं ना कहीं जो है आप ये भी जोड़ सकते हो वर्ड को कि यही थियरी बना सकते हो आपकी, यहीं से जो है रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे यही राइजोइड्स आगे रूट में बदल गए जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है, सबस्ट्रेटम मतलब ये जो है चिपकने, किसी भी वस्तु से चिपक के रहने में हेल्प करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस मेथड से होता है, तो ये भी पार्ट कवर है ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन, इसमें क्या होता है कोई पार्ट टूट जाएगा थैलस, अगर थैलस टूट गया मान लो, अब ये जमीन पे ही चिपके रहते हैं, कोई व्यक्ति निकला या जानवर कोई निकला तो उसके पैर पड़ेंगे वो टूट जाएगा, तो टूटेगा तो क्या होगा जो थैलस अलग हो जाएगा पार्ट वो नया थैलस बना देता है, ठीक। इन ब्रायोफाइट्स द ग्रोइंग पॉइंट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द थैलस, ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट टिप पे होता है, इस तरह से जो ये होता है ना, ये है ग्रोइंग पॉइंट, ग्रोइंग एरिया, ठीक है, इस तरह से इसमें ग्रो होती है, ग्रो मिलती है, तो ग्रोइंग पॉइंट टिप पे होती है। द पोस्टेरियर ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस अंडर गोज प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके, ठीक है, इस तरह से जब ये टूट जाएगा डीके हो जाएगा इसका या डेथ हो जाएगी थैलस की, तब क्या होता है नया थैलस फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन मेंबर्स ऑफ हेपेटिकोप्सिडा, ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा ये मेन पॉइंट है, इनको लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। फ्रेगमेंटेशन तो ब्रायोफाइट में होता है,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, लेकिन उसमें भी मेनली आपको देखने को मिलेगा हेपेटिक ऑप्सिडा में। हेपेटिक ऑप्सिडा में जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसरोस इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, एंथोसरोस नहीं आएगा इसमें, हेपेटिक ऑप्सिडा में रिक्सिया और मार्केंसिया। अब बात करते हैं जैसे ब्रायोप्सिडा हो गया, ब्राइडी लिखा है यहाँ पे, ब्राइडी भी बोलते हैं उसको, और एंथोसरोटोप्सिडा और स्फेग्नम वगैरह में देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको हेपेटिक ऑप्सिडा में ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मॉसेस होते हैं वो तो ज़्यादा डेवलप होते हैं, उसमें एरियल पार्ट भी होता है, तो थैलस स्ट्रक्चर जनरली रिक्सिया मार्केंसिया जैसे स्ट्रक्चर वाले हेपेटिक ऑप्सिडा में है, ठीक, तो इसमें थैलस के टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है। अगला है ट्यूबर्स, ट्यूबर के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से ट्यूबर बन जाते हैं थैलस पे, ये गेमिटोफाइट दिखाया हुआ है, ठीक है, इसमें जो ट्यूबर बने हुए हैं ये इससे डिटैच हो जाएगा तो ये नया थैलस बना सकते हैं। ट्यूबर्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन रिक्सिया और एंथोसिरस, ठीक है, ये आपको मेन पॉइंट जो मैं लिखा हूँ, बस मैं नहीं इसमें लिखे हैं, इतना ही आपको याद करके जाना है, अब ज़्यादा देखने का समय भी नहीं। तो रिक्सिया और एंथोसिरस जो है इसमें मेनली आपको ट्यूबर के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। गेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने डिटेल में लिख के लाया, ठीक है, इससे पहले भी जो गेमा पढ़ाया था उसमें भी लेक्चर में था और इसमें भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो गेमा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गेमी पर। ये स्पेशल प्रोपेगेटिव ऑर्गन क्विट अबंडेंट इन द मेंबर्स ऑफ हेपेटिक ऑप्सिडा, ये भी हेपेटिक ऑप्सिडा में मेनली आपको देखो मार्केंसिया में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, उसमें गेमा कप होता है, उसके अंदर गेमी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, तो एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम। गेमी में अक्कर ऑन स्टेम लीव्स और स्पेशल जो जेमिनी फेरस ब्रांचेस होती हैं जिसमें जेमा लगे हों उसी को बोले हुए स्पेशल जेमिनी फेरस ब्रांचेस इन जेमा कप्स, ठीक है, तो गेमा कप जो है कहाँ कहाँ लीप पे हो सकती हैं, स्टेम पे हो सकती हैं और जो जेमिनी फेरस ब्रांचेस हैं उस पे प्रेजेंट होती हैं मेनली, लेकिन होती डोर्सल में है, डोर्सल सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादातर, वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स एंड स्केल्स मिलेंगे। हेपेटिक ऑप्सिडा जो क्लास है इसमें भी कई टाइप के होते हैं, 1-3 सेल्ड गेमी हो सकते हैं, मतलब छोटे एक सेल से लेके 3 सेल तक गेमी प्रेजेंट हो सकते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा में। इसके एग्जांपल हैं सिफेलोजिया फ्रेंकिसिस, लोफोजिया वेंट्रिकोसा, डिप्लोफाइलम एल्बिकेंस, नोवेलिया क्रूटिफोलियाई। तो ये जो हैं एग्जाम्पल, आपको भले ही ये ना याद हो क्योंकि आप ज़्यादातर 3 ही एग्जाम्पल पढ़े हो, रिक्सिया मार्केंसिया और एंथोसिरोस, तो अगर ये एक आध इसमें से याद कर लो तो उतना भी काफ़ी है। और सेकंड इसमें डिस्क्वाइड मल्टी सेलुलर गेमी हो सकते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा में ही, इसके भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से देख लेना। इसमें तीसरा टाइप आता है हेपेटिक ऑप्सिडा में मल्टी सेलुलर स्टार्क्ड गेमी, मतलब ऐसा गेमा जिसमें इस तरह से मान लो ये गेमी है और इसमें छोटा सा एक स्टार्क भी लगा हुआ हो, तो इस मल्टी सेलुलर स्टार्क गेमी भी पाए जाते हैं इसमें। ये ज़्यादातर जो मार्केंसिया का होता है गेमी का, ठीक है, मार्केंसिया इसको तो याद ही रखो, मल्टी सेलुलर स्टार्क गेमी, स्टार्क्ड जिसमें स्टार्क भी एक लगा हो गेमी के नीचे, ठीक है, यही इसी स्टार्क के थ्रू गेमा कप से जुड़ा होता है, तो ये मार्केंसिया में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एंथोसिरोटोप्सिडा में गेमी के बारे में, इन मैनी स्पीसीज ऑफ एंथोसिरोस जैसे कि एंथोसिरोस ग्लैंडुलोस और एंथोसिरोस प्रोपेगुलिफेरस, इन दो में देखने को मिलती हैं गेमा कप। ब्रायोप्सिडा इसमें स्टार्क मल्टी सेलुलर गेमी हो सकता है और मल्टी सेलुलर आर्टिकुलेट गेमी, ये दो टाइप के ब्रायोप्सिडा में गेमा कप पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया मार्केंसिया और एंथोसिरोस, ये मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ से जाके देख लो, ठीक है, रिक्सिया मार्केंसिया का लेक्चर भी करवाया हूँ, वो लेक्चर देखोगे स्पोरोफाइट उसमें भी कंप्लीट है और एंथोसिरोस का भी कंप्लीट है, मान लो आपको लेक्चर में भी मिल जाएगा इससे पहले के देखोगे यूनिट फर्स्ट के, और दूसरा मैंने टेलीग्राम पे भी अभी आज ही सेंड किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट
ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, जो चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब है स्टेम मोडिफिकेशन, ये कौन सी है, जो हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उस वाले से है, ठीक है। उसमें जो मॉडिफिकेशन वगैरह हैं, तो स्टेम मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम वाले में भी तीन पार्ट होते हैं, एक तो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड हो, एक दूसरा एरियल हो, मतलब ऊपर ही हो ज़मीन से, और तीसरा होता है सब एरियल, जो कि आधा मिट्टी को भी छूता हो और आधा ऊपर हो। जैसे पुदीना उदीना के पौधे देखे होंगे ना, तो उन पौधों में क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं, फिर नीचे झुक के जाते हैं, ज़मीन को छूते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। तो इसको बोलते हैं सब एरियल। एरियल मतलब पूरा टोटल ज़मीन से ऊपर उठा पार्ट हो उसका। और अंडरग्राउंड, जैसे आलू आप जानते ही हो, मिट्टी के नीचे रहता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे दे दिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो अंडरग्राउंड वाले में स्टेम किस किस में मॉडिफाई हो सकता है, स्टेम ट्यूबर जैसे कि पोटैटो, सकर में हो सकता है जैसे कि क्राइजेंथेमम, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। राइजोम जैसे कि जिंजर अदरक है, और केले का जो कंद होता है वो राइजोम होता है, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब राइजोम में आते हैं। कॉर्न जैसे कि कोलोकेशिया, बल्ब में अनियन आता है, अनियन बल्ब है, ठीक है। स्टेम का मॉडिफिकेशन बल्ब में हो गया है। अब हम बात करते हैं एरियल वाले में, तो एरियल वाले में जैसे कि टिंडरिल हो गए, टिंडरिल कुकुरबिटा, कुकुरबिटेसी फैमिली आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें कद्दू आता है, कद्दू वर्गीय, उसमें खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, लौकी है, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, टिंडरिल इस तरह से, ये मान लो तना है और ये पत्ती है, और यहाँ से इस तरह से प्रतान आपको देखने को मिलते हैं टेंड्रिल। तो जो कद्दू वर्गीय पौधों में टेंड्रिल होते हैं, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन, और ये जानते ही हो आप, वायवी भागों में होंगे कम्प्लीटली, तो एरियल का एग्जांपल है। और स्टेम किस में, फैलोक्लेड में बदल सकता है, जैसे कि ओपनसिया, तो ओपनसिया किसका एग्जांपल है, स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फैलोक्लेड में। और क्लेडोफिल्स में भी हो सकता है, जैसे एस्पेरेगस, थॉर्न्स जैसे सिट्रस, कांटों में भी स्टेम का मॉडिफिकेशन, कांटे में स्टेम बदल गया कांटे में, तो ये किसका एग्जांपल है, इसका सिट्रस। थैलेमस सेवरल फ्रूट्स, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसमें थैलेमस में बदल जाता है। अब है सब एरियल, जो आधे जमीन को छू रहा है पार्ट पौधे का, और आधा ऊपर वायवी ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें रनर हो सकते हैं, रनर में जैसे कि ऑक्जेलिस आप लोग देखे ही होंगे, स्टोलोन में जैसे कि स्ट्रॉबेरी आती है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ऑफसेट में पिस्टिया और आइकोर्निया, जलकुंभी आइकोर्निया जानते हो, पिस्टिया आइकोर्निया जलीय पौधे हैं, इसमें ऑफसेट पाया जाता है, ऑफसेट, ठीक है। इस तरह से मान लो, और जो आइकोर्निया होता है उसमें लीफ इस तरह से बंच में लगी होती है, नीचे इस तरह से जड़ें होती हैं इसकी, इस तरह से, तो ये बीच में जो होता है इसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। तो आइकोर्निया आप लोग देखे ही होंगे, पौंड में देखे होंगे, तालाब वालाब में, जहाँ भी पानी का जल का भराव हो जाता है, स्थिर जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, स्थिर जल में ही होते हैं, बहते हुए जल में तो आइकोर्निया आपने कभी नहीं नदी उदी में देखा होगा, लेकिन तालाब में अवश्य देखा होगा आपने। तो ऑफसेट वाले में पिस्टिया आ जाएगा, आइकोर्निया आ जाएगा, स्टोलोन में स्ट्रॉबेरी, और रनर में ऑक्जेलिस, ये सब एरियल का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, जो रूट होती हैं, रूट का मॉडिफिकेशन, इसमें फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखो, रूट के कई सारे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, सपोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, और अदर फंक्शन जो है। तो फूड स्टोरेज में जो रूट मॉडिफाई होती है, उसमें जैसे कि ट्यूबरस हो गई, तो ट्यूबरस का इपोमिया जो होता है, इपोमा, ये इसका एग्जांपल है। फेसिकुलेटेड में डहेलिया हो गया, एस्पेरेगस हो गया, ठीक है। और नोडुलोस में इसमें करकुमा और अमाडा, ये एग्जांपल हैं इसके। अगर हम बात करें फॉर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफाई हो रही है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो इसमें प्रोप रूट हो गई, प्रोप बरगद में आप लोग देखे होंगे, फाइकस को क्या बोलते हैं, बरगद, हम लोग जो देखे हैं ना, पौधे देखे ही होंगे आप लोग, तो ये इसमें प्रोप रूट निकलती है। प्रोप रूट मतलब जो क्या होता है कि बरगद में आप लोग देखे होंगे, जो मेन स्टेम होता है और उसके नीचे रूट होगी, तो उसके अलावा आप देखोगे बहुत सारी स्टेम
से ऊपर से शाखाओं से जड़ों के रूप में नीचे आके ज़मीन में घुस जाती हैं शाखाएँ, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे पुराने बरगद के पौधे देखे होंगे जिसमें बहुत सारी 20, 25, 30, 100 की संख्या में भी हो सकती हैं प्रोप रूट, ठीक है। और जैसे कि बेंगेलियंसिस जो है इसमें भी प्रोप रूट पाई जाती है। अब बात करते हैं स्टिल्ट, इसमें जैसे कि माइज होता है, सोरगम होता है, गन्ना होता है। ये कौन सी स्टिल्ट का मतलब समझ रहे हो, जो इस तरह से मान लो ये गन्ना है, ऊपर इसका पत्ती उत्ती होंगी, हम स्टेम बता रहे हैं, नीचे मिट्टी से इस तरह से जुड़ा हुआ इसकी जड़ें हो गई गन्ने की। अब क्या होता है, इसमें पोरियां होती हैं, नोड और इंटरनोड। जो नोड होते हैं वहाँ से इस तरह से जो नीचे का बेसल पार्ट है ज़मीन से छूने वाला, उसमें एक दो नोड से इस तरह से निकल आती हैं। जो माइज होता है, मक्का और सोरगम, इन सब चीज़ों में निकलती हैं जिसमें नोड और इंटरनोड देखने को मिलता है। तो ये सब कैसे हैं, स्टिल्ट है। इसको हिंदी में अवस्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवस्तंभ। फॉर वाइटल फंक्शन जैसे कि हाउस्टोरिया और सकिंग रूट, तो ये कसकुटा में पाई जाती है। अभी एग्जाम हुआ है आजमगढ़, अरे जो इससे पहले एग्जाम हुआ है तो उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। कसकुटा जो सकिंग रूट होती है किसमें पाई जाती है, तो कसकुटा में पाई जाती है, हाउस्टोरिया और सकिंग रूट। फ्लोटिंग रूट बन जाए तो ये कैसे, जेसिया है इसका एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा। एपिफिटिक में वांडा, और रिप्रोडक्टिव वाले में भी बदल सकती हैं, ठीक है। तो लीफ मोडिफिकेशन, अब आता है लीफ मोडिफिकेशन। लीफ का, पत्ती का रूपांतरण किस किस में होगा, तो अगर टेंडरिल्स में हो तो जैसे कि मटर हो गया, ग्रेप्स हो गया। आपको याद रखना है, अगर मटर और ग्रेप्स के टेंडरिल पूछे जाएँ प्रतान, तो लीफ का मोडिफिकेशन है। अगर प्रतान आपको कुकुरबिटा के पूछे जाएँ, लौकी, कद्दू और जो खीरा ककड़ी होते हैं इनमें से, तो इसके जो प्रतान है टेंडरिल वो किसका मोडिफिकेशन होते हैं, वो होते हैं स्टेम का मोडिफिकेशन। लीफ स्पाइंस बन जाते हैं जैसे कि जिजिप्सी और फाइलोक्लेट्स। फाइलोक्लेट किस में होगा, जैसे लीफ मोडिफाई हो गई फाइलोक्लेट में, तो ये हो गया अकेसिया। लीफ ब्लेडर्स जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, इसको ब्लेडर वर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीफ बदल गए लीफ ब्लेडर में। लीफ पिचर में इसका मॉडिफिकेशन हो गया लीफ का, तो ये निपेंथीज घटपर्णी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है सकुलेंट लीव्स, इसमें जैसे कि एलोय, सकुलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फूल गई लीफ जो है, फूल गई। जैसे कि आप लोग एलोवेरा तो सब लोग देखे हो, पौधे हर जगह लगे हुए हैं, ठीक है। अगेव हो गया और ब्रायोफिल्लम, तो इसमें मोटी हो जाती हैं पत्तियाँ। लीफ हुक्स जैसे कि डोगजेंथा, अनग्विस और कैटी। अब हम बात करते हैं एनाटमी की। एनाटमी जो है एंजियोस्पर्म की एनाटमी, अंदर का पार्ट जब हम सेक्शन काटते हैं तो कैसा दिखता है हमको, तो इसमें हम बात करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू की। सबसे पहले मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता क्या है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ये एक ग्रुप है टिश्यू का। और टिश्यू की डिफिनेशन तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, कंपोस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड आइडेंटिकल बोल सकते हैं, आइडेंटिकल सेल्स से जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसमें दो प्रकार का होगा मेरिस्टेम, ये जो है बराबर डिवाइड करता रहता है और नई सेल्स बनाता रहता है, उसी को हम बोलते हैं मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके अलावा अगर हम इसको क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर इसको डिवाइड करें तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट और शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा, मान लो ये जमीन है, ठीक है, क्या है, अर्थ है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, परत। इसके ऊपर जो होगा वो शूट होगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो रूट होगा, ठीक है। ये मान लो हम शूट ऊपर बना दिए, नीचे रूट बना दिया, ऐसे ही बना दिए, बस ये जड़ हो गया, ऊपर वाला तना हो गया। तो तने की जो टिप होगी और जो जड़ की टिप होगी, इस पे जो मेरिस्टेम होगा उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम मतलब जो साइड में ग्रोथ करवाएगा, ठीक, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी ज़्यादातर ग्रासेस में मिलता है, घास में, किस में, ग्रासेस में।
घास, ये क्या करता है, तने की लंबाई बढ़ाता है। और ये गन्ने में भी मिलता है, जो शुगर कैन होता है उसमें भी इंटर कैलरी वाला उसकी लेंथ को बढ़ाता है, जो इंटर नोड होता है। तो लेटरल वाले में तीन आते हैं, जैसे कि इसमें वेस्कुलर कैम्बियम भी आएगा। उस वेस्कुलर के अंदर दो टाइप के होते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर। इसी में आता है आपका कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो ये सभी लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं। मेरिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन 100% आता जरूर है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब पूछेगा, सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम आता है और कॉर्क कैम्बियम, और वेस्कुलर में भी दो पार्ट होते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर, पुलीय और अंतरापुलीय, ठीक है। और एपिकल क्या करता है, ये तो टिप की ग्रोथ करवाता है केवल। अब बात आती है सिंपल, जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो जो सिंपल परमानेंट होते हैं, उनका नाम ही बता रहा है सिंपल, तो इसमें पैरेन्काइमा आएगा। पैरेन्काइमा के कितने काम हैं, बताते बताते पूरा दो चार महीने गुजर सकते हैं। तो पैरेन्काइमा ज़्यादातर जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के, मोस्टली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो वो सब किससे बने होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स से बने होते हैं मैक्सिमम। ये इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो सकता है, होता है इसी में। जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस ही होती हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी कराएंगी, स्टोरेज के लिए पैरेन्काइमेटस सेल्स का काम लगेगा, बाकी भी अदर काम जो है उनके लिए भी ज़्यादातर इनका काम लगता है। कोलेंकाइमा भी जो है ये थोड़ा सा मजबूती देती है, लेकिन बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। स्केलेरेन्काइमा काफ़ी स्ट्रेंथ प्रदान करती है, ये मेनली स्ट्रेंथ के लिए होती है। किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो ये मजबूती प्रदान करती है स्केलेरेन्काइमा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पहला तो था मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जो कि डिवाइड करते रहते हैं। अब डिवाइड वो जब करते हैं तो उनसे जो सेल बनती हैं वो परमानेंट बन जाती हैं। अब उनमें भी दो टाइप थी, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले में पैरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस और स्केलेरेन्काइमेटस। कोलेन्काइमा स्केलेरेन्काइमा कॉर्टेक्स का जो हाइपोडर्मिस होता है उसमें मिलती है ज़्यादातर। मान लो ये हम सेक्शन काटे, ऊपर तो एपिडर्मिस होगी, उसके बाद में क्या होगा, इसमें कॉर्टेक्स होगा। तो कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है, ये पूरा कॉर्टेक्स है। इसमें ऊपर का जो इतना ये पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, कॉर्टेक्स का, इसमें आपको स्केलेरेन्काइमा वगैरह देखने को मिलता है। ताकि हम बाहर से, मान लो ये स्टेम का सेक्शन है, तो बाहर से दबोगे तो बहुत कठोर होता है स्टेम, दबा पाओगे नहीं, दबा पाओगे बड़े प्लांटों का। तो इसमें हाइपोडर्मिस मतलब स्केलेरेन्काइमा वगैरह और कोलेन्काइमा होता है। स्केलेरेन्काइमा इसको स्ट्रेंथ देता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। इसमें पहला तो फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम चार चीज़ों से मिलकर बना होगा, फ्लोएम फाइबर, सीओ ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। देख रहे हो, हर जगह पैरेन्काइमा आ रहा। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें जाइलम भी आता है, तो जाइलम में भी चार चीज़ों से मिलकर बना होगा, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रेकिड्स। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टम उसमें प्रेजेंट होते हैं। जो जाइलम होता है जिम्नोस्पर्म का, उसमें वेसल्स अब्सेंट होती हैं। जाइलम में वेसल्स अब्सेंट होती हैं इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वाटर का कंडक्शन फिर कैसे होगा, क्योंकि देखो जिम्नोस्पर्म से जो पहले वाले प्लांट हैं वो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल आया था। अगर टेरिडोफाइट से भी पहले जाओगे तो ब्रायोफाइट, एलगी मिलेंगी। एलगी और ब्रायोफाइट में कितने बड़े प्लांट होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं। हालांकि एलगी 100 मीटर तक भी होती है, लेकिन वो वाटर में होती, तो वाटर कंडक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। ऐसी कोई एलगी अभी तक ज्ञात है या कहीं पे देखे हो आप, जो 1 मीटर तक की हाइट की हो और स्थल पे रहती हो, नहीं है। क्योंकि एलगी में वेस्कुलर सिलेंडर ही नहीं है, उसमें जाइलम है ही नहीं। तो अगर 1 मीटर की एलगी होगी स्थल पे, तो वाटर का कंडक्शन कैसे होगा। इसीलिए एलगी के जो है लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है, इससे भी अधिक हो सकती है। लेकिन समुद्र में वो जल में रहते हैं, तो उसमें वाटर कंडक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। टेरिडोफाइट भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म लॉन्ग होते हैं, तो इनमें वाटर के कंडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें जो है वेस्कुलर सिलेंडर बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, लेकिन उसमें भी वेसल नहीं होते हैं। तो इसमें जाइलम ट्रेकिड होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन प्ले करते हैं वाटर के कंडक्शन में इन जिम्नोस्पर्म। अगर एंजियोस्पर्म की बात करी जाए तो मेजर रोल होता है वाटर कंडक्शन में वेसल्स का। वैसे मेजर रोल तो वेसल का ही है, लेकिन जब वेसल्स अब्सेंट हैं जिम्नोस्पर्म में तो कौन
वाटर का कंडक्शन करवाएगा मेनली ट्रेकेट्स, ठीक है। और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स ये भी अब्सेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म में, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये सब चारों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम में तीन टाइप के, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल में जो मतलब जो बाहरी पदा बाहरी चीज़ें हैं जो एपिडर्मिस से कहीं ना कहीं बनी हुई हैं, तो एपिडर्मिस से जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो पत्ती के बाह्य सतह पे होता है, मतलब एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है। तो स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटल अपर्चर हो गया, इसमें गॉर्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, और सब्सिडरी सेल्स होती हैं। आप लोग इसका जो है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर वगैरह आप पढ़े होंगे इससे पहले। ट्राइकोम जो होते हैं, जिस तरह से राइजोइड होते हैं उसी तरह से ट्राइकोम होते हैं। राइजोइड्स रूट में रूट हेयर निकले होते हैं, उसी तरह से जो स्टेम पे रोंगे टाइप में निकले होते हैं उसको ट्राइकोम बोलते हैं। तो ये भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, ये भी एपिडर्मिस से ऊपरी सतह जो है स्टेम की वहाँ से निकलते हैं। अब बात करते हैं हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है इसमें इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज एंड इज डेराइव पार्टली फ्रॉम पेरिबलेमा, ठीक है, पेरिबलेमा और पार्टली फ्रॉम प्लेरोमा। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्स्ट्रा स्टीलर जिसको कोर्टेक्स बोलते हैं। ग्राउंड टिश्यू एक्स्ट्रा स्टीलर हो सकता है और इंट्रा स्टीलर, इसमें पेरिसाइकल पिथ और मेडुलरी रे आ जाएगी। अब मैं आपको साधारण से इसमें समझा दूं, बाहर होती ही एपिडर्मिस, ठीक है, ये है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जो मॉडिफिकेशन से बन गया उसको तो हम बोल दिए स्टोमेटा और ट्राइकोम आ गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नीचे जो अंदर बचा इसकी, ठीक है, बाहर मान लो यहाँ पे एक था स्टोमेटा, तो वो तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ गया क्योंकि वो एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है। अंदर वाले पार्ट में दो टाइप के बचे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, मान लो ये था कॉर्टेक्स हमारा पूरा, ठीक है, और ये था पिथ, और यहाँ पे जाइलम फ्लोएम थे, जाइलम फ्लोएम के बंडल थे, ठीक है, इसी में एंडोडर्मिस भी होगी और पेरिसाइकल भी होगी। तो इसमें अच्छे से गौर करके समझो, ग्राउंड टिश्यू कौन होता है, ये जो इतना पार्ट जो जाइलम फ्लोएम वाला है ये वाला, ये छोड़ के ये तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ गया, बाकी जो ये पिथ बची पूरी ये, और जो पेरिसाइकल होगी और ये जो कॉर्टेक्स होगा एंडोडर्मिस सहित, ये सब ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू जिससे कि ये सब भरा होता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो बाहरी आवरण होता है उससे जो मॉडिफिकेशन बनते हैं वह चीज़ें आती हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें आती हैं, जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम को छोड़ के, ठीक है। तो वेस्कुलर में क्या आएगा, वेस्कुलर वाले में केवल जाइलम आएंगे, फ्लोएम आएगा, कैम्बियम आएगा, इसके अलावा बाहरी चीज़ें जो मॉडिफाइड हुई हैं वो एपिडर्मल में आ जाएंगी, बाकी बचा हुआ सारा पार्ट ग्राउंड टिश्यू में आता है। पिथ हो गया, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंप्राइजेस सेंट्रल कॉलम ऑफ प्लांट बॉडी जिसको स्टील बोलते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। ईच वेस्कुलर बंडल कंटेन्स जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। जैसे कि ये मान लो एक वेस्कुलर बंडल है, तो इसमें मान लो इतनी दूर तक क्या है, ये जाइलम है, बीच में ये कैम्बियम है और ऊपर फ्लोएम। ये क्या है, फ्लोएम, ये है जाइलम, और बीच में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कैम्बियम। ये पूरा एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, वेस्कुलर बंडल की ही बात करने जा रहे हैं, ठीक, इसमें डिटेल में बताया। तो अकॉर्डिंग टू कैम्बियम, कैम्बियम के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल और क्लोज्ड। ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट, और क्लोज्ड वाले का मतलब होता है कि कैम्बियम इसमें अब्सेंट है। अगर इस बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम नीचे है, ऊपर फ्लोएम, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ओपन। क्या बोलेंगे, ओपन। अगर मान लो इसमें इस तरह से जाइलम है और ऊपर फ्लोएम है, ये वाली जो कैम्बियम थी ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, अगर जाइलम फ्लोएम की पोजीशन के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला रेडियल, रेडियल में क्या होता है, ये देखो एक ही अपने अपने अक्ष पे हैं फ्लोएम, ये है फ्लोएम, और ये वाले क्या है, ये जाइलम, एक से मतलब जाइलम और ये फ्लोएम है। तो इस तरह से होते हैं रेडियल वाले में, ज़्यादातर रूट में मिलता है, किसमें, रूट में मिलता है रेडियल वाला। कंजॉइंट में दो टाइप हैं, बाईलेटरल और कोलेटरल। बाई कोलेटरल और कोलेटरल
कंजॉइंट में दो पार्ट है, कोलेटरल बाई कोलेटरल। कोलेटरल में क्या होता है, इस तरह से हो सकता है या इस तरह से, बंडल में आधे पार्ट में जाइलम आधे पार्ट में फ्लोएम। ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम। अब इसमें ये दो क्यों बनाए हुए हैं, मतलब ये है एक कंजॉइंट क्लोज्ड है, ये कंजॉइंट ओपन है। कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, कंजॉइंट ये कैसा है, ये वाला कंजॉइंट है, कैसा है, कंजॉइंट, और उसमें भी कोलेटरल, मतलब इसमें क्या है, कोलेटरल वाले कैम्बियम कोलेटरल का, हाँ कोलेटरल का मतलब आधे पार्ट में जाइलम और आधे पार्ट में फ्लोएम है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड है, ये कंजॉइंट कोलेटरल, और इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब ये ओपन हो गया, ठीक है। तो कंजॉइंट कोलेटरल ओपन हो गया है, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन, और ये वाला जो है ये कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड हो गया, सी सी सी। अब बात करते हैं बाई कोलेटरल वाले में क्या होता है, दोनों ओर फ्लोएम होता है, सेंटर में क्या होता है, जाइलम होता है, और ये दोनों ओर कैम्बियम भी है, ठीक है। तो ये जब कैम्बियम डिवाइड करेगी तो बाहर की ओर फ्लोएम बनाएगी, अंदर की ओर जाइलम, ये बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम, तो इस तरह से ये ग्रोथ करेगा, कैम्बियम का काम ही यही होता है। तीसरा आता है इसमें टाइप कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक में एम्फी क्राइबल और एम्फी वेसल। तो एम्फी क्राइबल में क्या होता है, ये राउंड वाले बात है, इसमें रिंग में होते हैं, तो अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम एम्फी क्राइबल, और अगर अंदर फ्लोएम बाहर जाइलम, तो इसको बोलते हैं एम्फी वेसल। अब बात करते हैं टी एस ऑफ मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम है ये वाला, मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, बस यही पहचान होती है, और 8 से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं वेस्कुलर बंडल। ये है टी एस ऑफ डाइकोट, ठीक है, टी एस ऑफ डाइकोट स्टेम। तो इसमें मैंने ये एपिडर्मिस होगा, उसके बाद में कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स के बाद में क्या, कॉर्टेक्स में भी हाइपोडर्मिस होगा पार्ट, उसके बाद में एंडोडर्मिस होगी, फिर पेरिसाइकल होगा, ये सारी चीज़ें आप ऑर्डर पता होगा, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो आप, इतना तो पढ़े ही होगे। अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उसका मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बनाया, इसी तरह से रिंग लाइक ये इस तरह से लगे होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे होते ये एक अरेंज मैनर में है डाइकोट में, और जो मोनोकोट का स्टेम, इसमें क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, बस ये फ़र्क है इसमें और इसमें, और भी फ़र्क है देखो, इसमें ज़्यादा वो कार्टेक्स वगैरह कुछ डिफाइन नहीं होता है, और इसमें सब कुछ अलग अलग डिवाइड होता है, और दूसरी बात इसमें ट्राइकोम भी देखने को मिलते हैं इसमें, जो कि नहीं है मोनोकोट वाले में। अब हम बात करते हैं टी एस ऑफ डाइकोट लीफ और ये मोनोकोट लीफ, तो इसमें मेन अंतर जो है वो मैं बता दूं, डाइकोट लीफ जो होती है इसमें पैलीसेड टिश्यू भी पाए जाते हैं, ये जो लंबे लंबे खंभाकार ऊतक बोलते हैं इसको, पैलीसेड टिश्यू मतलब खंभाकार ऊतक, इसमें खंभाकार को ऊतक पाएंगे, पैलीसेड टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस यहाँ पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, एक और दो देखो ये दिख रहे हैं, लेकिन अपर वाली एपिडर्मिस में नहीं है। इसमें बात करें तो इसमें पैलीसेड टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, इसमें सब राउंड ओवल सेल्स हैं। और दूसरी बात, स्टोमेटा लोअर सरफेस में भी होंगे और अपर सरफेस में, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं ऊपर और नीचे वाली जो दोनों एपिडर्मिस हैं, दोनों ओर आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में मैंने आपको बताया है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम की ज़रूरत होती है, लेटरल मेरिस्टेम में पहला तो वेस्कुलर कैम्बियम होना चाहिए, वेस्कुलर वाले में दो होते हैं, पहला फेसिकुलर और दूसरा होता है इसमें इंट्राफेसिकुलर, ठीक है। तो ये दो, और ये ए बोल देता हूँ, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए चाहिए लेटरल मेरिस्टेम में ए है वेस्कुलर कैम्बियम, उसमें भी फेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर। बी आता है इसमें कॉर्क कैम्बियम, ठीक। तो ये दो प्रकार के कैम्बियम जो लेटरल मेरिस्टेम के अंतर्गत आते हैं, ये जब प्रेजेंट होंगे प्लांट में तो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ पहला तो आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगी देखने को, जिम्नोस्पर्म जिसको हम अनावृत बीजी बोलते हैं, अनावृत बीजी, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगी। और सेकंड एंजियोस्पर्म में, लेकिन एंजियोस्पर्म में ओनली डाइकोट जो होते हैं, डाइकोट एंजियोस्पर्म
पर्ण, ठीक है, जो द्विबीजपत्री होते हैं। ये दो जगह आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ का जो प्रोडक्ट होता है मतलब हार्ड वुड, इससे तैयार होती है मजबूत लकड़ी, जो आजकल हम ज़्यादातर फर्नीचर बनाते हैं वो सब सेकेंडरी ग्रोथ का ही परिणाम है, अगर नहीं हुई होती तो लकड़ियाँ नहीं मिलती। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में तो प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक पूरा एंथर बनाया हुआ है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो है इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो इस तरह से हमको कुछ दिखता है। इसमें चार लघु बीजाणुधानी होती हैं। क्या होती हैं? चार लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बताता है कि नीचे से सप्लाई, जब इसको काटोगे तो इस तरह से दिख रहा है, मतलब ये पूरा लंबा लंबा इसके अंदर होगा ना, इमेजिन कर पा रहे होगे। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जिससे कि वाटर सप्लाई होती है। क्या होती है? वाटर सप्लाई नीचे से ऊपर एंथर में भी होती है। वाटर की ज़रूरत हर जगह होती है, प्लांट का कोई भी पार्ट हो। अब हम बात करते हैं ये लघु बीजाणुधानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसका माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका हम एक को या इधर जो है डिफाइन कर रहे हैं। सबसे ऊपर होगा इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। इसके बाद में होता है इसमें इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद होगा टेपीटम, टेपीटम। और सबसे अंदर क्या, बीच बीच में मिडिल लेयर भी होती है। क्या होता है? मिडिल लेयर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे अंदर क्या होंगे? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल। इससे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, MMC, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा, मियोसिस, ठीक, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तब इससे क्या होते हैं? चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, चार माइक्रोस्पोर बनेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, लघु बीजाणु जिसको बोलते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है, चार माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु इससे बनकर तैयार होते हैं। अब हम बात करते हैं इधर, ये जो लघु बीजाणु है ये, इन्हीं को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ये जो है ज़्यादातर ओवल शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पेलियोबोटनी में आपको पेलिनोलॉजी वगैरह में काम आएगा, ओवल शेप हो गए। दूसरा तो ये लीनियर हो सकते हैं, लीनियर कैसे हो सकते हैं? लीनियर, अरे इनके बहुत ज़्यादा शेप होते हैं, काफ़ी शेप के हो सकते हैं। इनका आकार जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन को हम यूज कहाँ करते हैं? तो इनका यूज जो होता है पोलन ग्रेन का, इनको हम ज़्यादातर जैसे कि आजकल जो एथलीट होते हैं, उन वो यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल पावर बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे बता दूँ आपको, जो टेपीटम होता है ये अंदर की ओर लेयर है ना टेपीटम, तो ये टेपीटम क्या करता है? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है अंदर माइक्रोस्पोर बनाएंगी पोलन ग्रेन, तो उनको पोषण भी प्रदान करता है टेपीटम, ये याद रखना पॉइंट। पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन सिरप वगैरह में आज की डेट में सिरप और टेबलेट के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। पोलन को बहुत ज़्यादा आजकल चलन हो गया है कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं एथलीट के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे पोलन जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। कैसे होते हैं एलर्जिक? जैसे कि हम बात करें पार्थेनियम की, इसकी पार्थेनियम, पार्थेनियम अर्जेंटेटम, लोंटाना हो गया, लोंटाना हो गया, पार्थेनियम हो गया, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? एलर्जिक पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये विदेशज हैं, इसीलिए इनको वीड्स बोला जाता है, वीड्स, ठीक है, विदेशी हैं। इनका कोई काम हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन पौधे उग गए। कैसे उग गए? गेहूं के साथ में पार्थेनियम आ गया था, ठीक है, गेहूँ लाया गया था वहां से, मैक्सिको से, तो उसी के साथ में आ गया था। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थी, मतलब गेहूं, अब छोटे छोटे इनके दाने होते हैं पार्थेनियम वगैरह, बहुत छोटे छोटे, छोटा सा दाना है, अब गेहूँ लेके आए अपने यहाँ बीज बोने के लिए, उसमें आ गए कुछ थोड़े बहुत पौधे, वो अपना यहाँ जब बुआई हुई गेहूँ की तो वो भी पौधे जर्मिनेट कर गए। उसमें क्या हुआ? उससे धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, आज की डेट में पूरे हमारे भारत में फैले हुए हैं और इतना रोग कारक है। और दूसरी बात, हमारी जो फसलें हम उगा बोते हैं खेतों में, उसके साथ में ये अनावश्यक रूप से उग जाते हैं और हमारी फसलों को हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि इनसे कुछ मिलना है नहीं हमको। अब मान लो एक प्रॉपर एरिया है, इसमें हमारी केवल फसल के पौधे हों, तो प्रकाश जितना इस पर फाल करेगा पूरा फोटोसिंथेसिस वही करेंगे। अब साथ में घास फूस भी लगी होगी तो उतना फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, इसीलिए तो निराई गुड़ाई आवश्यक होती है,
फसलों के आसपास, ठीक है, पौधे बाकी जो हैं अनावश्यक उनको हटा दिया जाता है। और जितना मतलब मान लो एक एरिया में लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं मिट्टी में भी, तो उसको भी खींचते हैं, तो बहुत सारी हानियां हैं इससे। इसीलिए इसको वीड्स बोलते हैं। इसको ख़त्म करने के बहुत सारे उपाय चल रहे हैं, लेकिन सक्सेस अभी तक पूर्ण रूप से कोई नहीं हुई है। खैर, ये आप लोग थर्ड ईयर तक बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत काम देगा आपको ये। अब हम बात करते हैं, ये है एंटीपोडल्स। ये क्या है हमारा पूरा, तो आपको पता ही होगा क्या है ये। एक आवृत बीजी बीजांड की संरचना है, ठीक है, ओव्यूल है बीजांड। अब इसमें ये तीन एंटीपोडल सेल हैं। क्या हैं? एंटीपोडल सेल्स। ये पोलर सेल्स है, सबसे बड़ी सेल्स होती है, केंद्रीय कोशिका भी बोलते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो कि दो न्यूक्लियस एक साथ में होते हैं। यहाँ पे ये वाली इग सेल है, और ये दोनों क्या हैं? सिनर्जिड, जिसको सहायक कोशिका बोलते हैं। यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस इस तरह से लगा रहता है, जो कि जो पराकण होगा वो पोलन ट्यूब बनाएगा, तो उसको दिशा निर्देशन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फिलीफॉर्म अपरेटस। इसमें दो नर युग्मक होते हैं, एक जाके बाइंड करेगा, फ्यूज करेगा एक सेल से, तो उससे बनेगा जायगोट, और दूसरा नर युग्मक कहाँ, यहाँ पे जो पोलन न्यूक्लियाई होते हैं उससे फ्यूज होकर डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि इस जायगोट को, जो यहाँ पे जायगोट बनेगा उसको पोषण देता है, और आगे चल के ये एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी पार्ट हमने कोशिश किया है कि आपका रिवाइज हो जाए, जितना मुझसे हो सका आज मैंने आपके लिए किया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को आगे भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, लाइक करिए अगर पसंद आया हो, और मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जिनका सुबह पेपर है वो बिल्कुल भी ना डरें किसी भी चीज़ से, ठीक है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है साल भर वही पूछा जाएगा। जो पिछले 4-5 महीने में सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़े हो, सब क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए हैं, आशा है आप लोग उसको तैयार किए होंगे, तो आपका जो है मैक्सिमम पार्ट वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम में जो है 1-2 क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं जो कभी ना देखा हो आप, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो थोड़ा हार्ड ऐसा मत सोचना कि 2 ही क्वेश्चन देख लिए घबरा गए, बाकी भी तो करना है, बाकी तो आते हैं ना, तो उनको करो, बाद में उनको कर लो जो नहीं आते हैं, ठीक। तो इस तरह से कोई भी टेंशन कोई तनाव नहीं लेना है, आराम से अच्छे से पेपर करना है। तो आज बस इतना ही, अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।